सभी बुद्धिमान और वैचारिक साथियों का ग्रेट इंडियन लीडर्स अनरीड बुक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, सबसे पहले मैं सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। साथियों, आज के समय में हमारे लोग महापुरुषों की किताबें पढ़ते नहीं है, इसी वजह से उन्हें सही गलत, दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होती। लेकिन हमारे लोगों को सही इतिहास मालूम होना चाहिए, यही सोचकर मैंने यह प्रयास किया और मैं सफल भी हुआ। साथियों, अब आपको किताब पढ़ना नहीं है, महापुरुषों की किताब में क्या लिखा है सिर्फ सुनना है और देखना है। आप सब मेरे इस कार्य में सहयोग करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। साथियों, गुलामगिरी इस किताब के लेखक है महात्मा ज्योतिराव फुले। इस किताब का मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, लेकिन वह वीडियो मराठी में था। मुझे बहुत से मेरे साथियों ने सुझाव दिया कि आप इस किताब का हिंदी में वीडियो बनाइए, तो आज मैं गुलामगिरी इस किताब का हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ। परिच्छेद 10, दूसरा बड़े राजा, ब्रह्म धर्म की दुर्दशा, शंकराचार्य की बनावटी बातें, नास्तिक मान्यता, निर्दय था, प्राकृत ग्रंथ करता, कर्म और ज्ञान मार्ग, बाजीराव पेशवा, मुस्लिमों से नफरत और अमरीकी तथा स्कॉच उपदेशकों ने ब्राह्मण के कृत्रिम किले की दीवारें तोड़ दी आदि के संबंध में। ढोंडीराव तात, अब तो चरम सीमा हो गई, क्योंकि आपने शिवाजी के पवाड़े की प्रस्तावना में यह लिखा था और सिद्ध किया था कि चार घर की चार ग्रंथकर्ता ब्राह्मण लड़कियों ने मिलकर घर की कोठरी में झूठ फरेबी का खेल खेला। ज्योतिराव, किंतु आगे जब एक दिन दलितों का दाता, समर्थक, महापवित्र, सत्य ज्ञानी, सत्यवक्ता बलिराजा इस दुनिया में पैदा हुआ, तब उसने हम सभी को पैदा करने वाला, हम सबका निर्माण करता महापिता जो है, उसका उद्देश्य जान लिया। निर्माणकर्ता द्वारा दिए गए सत्यमय पवित्र ज्ञान और अधिकार को उपभोग करने का समान अवसर सबको प्राप्त हो, इसलिए उस बलिराजा ने अपने दीन दुर्बल और शोषित भाइयों को सभी ब्राह्मणों की अर्थात बनावटी, दुष्ट, धूर्त, मतलबी महलियों की गुलामी से मुक्त करके न्याय पर आधारित राज्य की स्थापना करके अपनी चेष्ट महिलाओं के भविष्य की आकांक्षाओं को कुछ हद तक पूरा किया, यह कहा जा सकता है। जहां मिस्टर टॉम्स पेंस जैसे बड़े बड़े विद्वानों के पूर्वजों ने इस बलि राजा के प्रभाव में आकर अपने पीछे की सारी बलाएं दूर करके सुखी हुए, अंत में जब उस बलि राजा को ईसा मसीह चार दुष्ट लोगों ने सूली पर चढ़ाया, उस समय सारे यूरोप में बड़ा तहलका मच गया था। करोड़ों लोग उसके अनुयायी हो गए और वे निर्माणकर्ता के शासन के अनुसार इस दुनिया में केवल उन्हीं का सत्ता कायम हो, इस दिशा में रात और दिन प्रयत्नशील रहे। लेकिन इसी समय इस क्षेत्र में कुछ स्वस्थ वातावरण होने की वजह से यहाँ के कई बुद्धिमान खेतीहरों और किसानों ने उस घर की कोठरी के अंदर की नादान लड़कियों के झूठ फरेबी खेल को ही तहस नहस कर दिया। मतलब साक्ष्य मुनि जैसे बुद्धिमान सप्त पुरुषों ने ब्राह्मणों के वेद मंत्र जादू विधि के अनुसार चमत्कार का प्रदर्शन किया, उसने उस ब्राह्मणों को भी अपने धर्म का अनुयायी बनाया जो पशुओं की बलि चढ़ा करके उत्सव यात्रा के बहाने गोमांस भक्षण करते थे। उसी प्रकार जो ब्राह्मण घमंडी, पाखंडी, स्वार्थी, दुराचारी और दुर्गुणों से युक्त थे और जिन ग्रंथों में जादू मंत्रों के अलावा और कुछ नहीं था, ऐसे ग्रंथों पर तेल काजल का लेप लगाकर अर्थात उन ग्रंथों को नकारते हुए उसने अधिकांश ब्राह्मणों को होश में
लाया, लेकिन उसमें से बचे खुचे शेष उत्तर की ब्राह्मण कर्नाटक में भाग जाने के बाद उन लोगों में शंकराचार्य नाम अपना कर एक तरह से वितंडावादी विद्या जानने वाला महापंडित पैदा हुआ। उस ब्राह्मणवादी पंडित ने जब यह देखा कि अपने ब्राह्मण जाति के दुष्ट कर्म की धूर्तता की सभी और निंदा हो रही है और बुद्ध के धम्म का चारों ओर प्रचार हो रहा है, तो उसने यह भी देखा कि अपने लोगों का ब्राह्मण पंडित पुरोहित पेट पालने का धंधा ठीक से नहीं चला रहे हैं, इसलिए उसने नया ब्रह्म जाल खोज निकाला। जिन दुष्ट कर्मों की वजह से उनके वेदों सहित सभी ग्रंथों का बौद्ध जनता ने निषेध किया था, उसका उस शंकराचार्य ने बड़ी गहराई से अध्ययन किया और बौद्धों ने जिन बातों के लिए ब्राह्मणों की आलोचना की थी उसने उनमें केवल गोमांस खाना और शराब पीना निषिद्ध मान लिया, लेकिन उसने बाद में अपने सभी ग्रंथों में थोड़ी बहुत हेरा फेरी करके उन सभी के मजबूती लाने के लिए एक नए मतवाद की स्थापना की। शंकराचार्य की उस विचारधारा को वेदांत का ज्ञान मार्ग कहा जाता है। बाद में उसने वहां शिवलिंग की स्थापना की। इस देश में जो तुर्क आए थे उसने हिंदुओं के एक वर्ण क्षत्रियों में उन्हें शामिल कर लिया। फिर उसने उनकी मदद से मुसलमानों की तरह तलवार के बल पर बौद्धों को पराजित किया और फिर उसने अपनी उस शेष जादू मंत्र विद्या और भागवत की व्यर्थ की पुराण कथाओं का प्रभाव अज्ञानी शूद्रों के दिलो दिमाग पर थोप दिया। शंकराचार्य के इस हमले में उसके लोगों ने बौद्ध धर्म के कई लोगों को तेली के कोल्हू में ठूस ठूस करके मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, शंकराचार्य के लोगों ने बौद्धों के असंख्य मौलिक और अच्छे अच्छे ग्रंथों को जला दिया। उसने उसमें से केवल अमरकोश जैसा ग्रंथ अपने उपयोग के लिए बचाया। बाद में जब उस शंकराचार्य के डरपोक चले पंडित पुरोहितों की तरह दिन में ही मशालों को जलाकर डोली में सवार होकर चारों ओर सधवा नारी की तरह नोकझोंक करके नाचते हुए घूमने लगे तो ब्राह्मणों को नंगा नाच करने की पूरी स्वतंत्रता मिल गई। उसी समय मुकुंदराज, ज्ञानेश्वर, रामदास आदि जैसे पायली के 50 ग्रंथकार हुए और बेहिसाब बेभाव बिक गए, लेकिन उन ब्राह्मण ग्रंथकारों में किसी एक ने भी शूद्रादि अति शूद्रों के गले की गुलामी की जंजीरें तोड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई, क्योंकि उनमें उन सभी दुष्ट कर्मों का खुलेआम त्याग करने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए उन्होंने उन सभी दुष्ट कर्मों को कर्म मार्ग और नास्तिक मतों का ज्ञान मार्ग इस तरह के दो भेद करके उन पर कई पाखंडी निरर्थक ग्रंथों की रचना की। इस तरह उन्होंने अपनी जाति के स्वार्थों का जी जान से रक्षण किया और अज्ञानी शूद्रों से लूट खसोट करके अपनी जाति को खूब खिलाया पिलाया, लेकिन बाद में उन्होंने पूरी लज्जा शर्म छोड़ दी और हर रात को जो कुकर्म नहीं करना चाहिए उसको भी करने लगे। फिर ब्राह्मण लोगों को दिन के एक चौथाई समय गुजरने तक मुसलमानों का मुंह न देखना चाहिए, रजस्वला स्त्री की तरह घर में ही मांगलिक अवस्था में रहने वाले ऐसे लोग बाजीराव के दरबार में इकट्ठे होते थे, लेकिन अब समय ने करवट ले ली थी। पहले दिन के बीतने और दूसरे दिन के प्रारंभ में सभी मेहनतखोर ब्राह्मणों को एयाशी और गुलछर्रे उड़ाने के लिए जो सुख सुविधाएं मिलने वाली थी उसके पहले ही अंग्रेज बहादुरों का झंडा चारों ओर लहराने लगा। उसी समय उस बड़े राजा के अधिकांश अनुयायी अमेरिकी और स्कॉच उपदेश ने मिशनरी अपने अपने देश की सरकारों की किसी भी प्रकार की परवाह न करते हुए इस देश में आए। बलि राजा ने जो सही उपदेश दिया था उसे सभी नकली दुष्ट धूर्त ब्राह्मणों को प्रमाण
द्वारा सिद्ध करके दिखाया और उन्होंने कई शूद्रों को ब्राह्मणों की इस अत्यंत अमानवीय गुलामी से मुक्त किया। उन्होंने शूद्रों के शूद्रादि अति शूद्र गले में ब्राह्मणों द्वारा सदियों से टांगी हुई गुलामी की बेड़ियों को तोड़ दिया और उन गुलामी की बेड़ियों को ब्राह्मणों के मुंह पर फेंक मारा। उस समय अधिकांश ब्राह्मण समझ गए कि अब वे ख्रिस्ती उपदेश मिशनरी उनका प्रभाव अन्य शूद्रों पर बिल्कुल टिकने नहीं देंगे। वे उनके सारे ढोल के पोल खोल के रख देंगे। यह उनकी पक्की समझ हो गई थी। उसी डर की वजह से उन्होंने बड़ी राजा के अनुयायी उपदेशकों और अज्ञानी शूद्रों में साठगांठ मेल मिलाप हो और उन दोनों में गहरी पहचान बने। इससे पहले ही बड़े राजा के अनुयायी उपदेशकों और अंग्रेज सरकार को इस देश से ही भगा देने के इरादे से कई हथकंडे अपनाए। कई ब्राह्मणों ने अपनी खानदानी पाखंडी वेद विद्या की मदद से अज्ञानी शूद्रों को उपदेश देना शुरू कर दिया, जिससे उनके मन में अंग्रेज सरकार के प्रति घृणा और नफरत की भावना जाग जाए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ब्राह्मणों ने विद्या प्राप्त की और उसके माध्यम से ब्राह्मणों के कुछ लोग बाबू क्लर्क हुए और अन्य सरकारी सेवाओं में गए। इस तरह के ब्राह्मण लोग कई प्रकार का सरकारी काम कर सभी प्रकार की सरकारी नौकरियों में पहुंचे। अंग्रेजों का सरकारी का घरेलू ऐसा एक भी काम नहीं है जहां ब्राह्मण न पहुंचे हो। परिच्छेद 11 पुराण सुनाना। झगड़ाखोरी का परिणाम शूद्र संस्थानी कुलकर्णी सरस्वती की प्रार्थना जब अनुष्ठान देवस्थान दक्षिणा बड़े कुल नामों की सभावे आदि के संबंध में ढूंढेरा। यह बात पूरी तरह सत्य है कि इन अधर्मी मदारियों के ब्राह्मणों के झगड़ालू पूर्वजों ने में आकर हमारे आदि पूर्वजों को मूल निवासियों को पराजित किया। फिर उन्होंने उनको अपना गुलाम बनाया। फिर उन्होंने अपनी बहुओं को प्रजापति बनाया और उनके माध्यम से उन्होंने जहां तहां दहशत फैलाई। इसमें उन्होंने अपना कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ दिखाया है, इस बात को मैं कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। आदि यदि हमारे पूर्वजों ने ब्राह्मणों के पूर्वजों को पराजित किया होता, तब हमारे पूर्वज ब्राह्मणों के पूर्वजों को अपना गुलाम बनाने में क्या सचमुच में कुछ आनाकानी करते? तात, छोड़ दीजिए इस बात को। बाद में फिर जब ब्राह्मणों ने अपने उन पूर्वजों की धींगा मस्ती को मौका देकर ईश्वरीय धर्म का रूप दे दिया और उस नकली धर्म की छाया में कई ब्राह्मणों ने तमाम अज्ञानी शूद्रों के दिलो दिमाग में हमारी दयालु अंग्रेज सरकार के प्रति पूरी तरह से नफरत पैदा करने की कोशिश की, मतलब वे कौन सी बातें थी? ज्योतिराव। कई ब्राह्मणों ने सार्वजनिक स्थानों पर बनाए गए हनुमान मंदिर में रात रात बैठकर बड़ी धार्मिकता का प्रदर्शन किया। वहां उन्होंने दिखावे के लिए भागवत जैसे ग्रंथों की दकियानुसी बातें अनपढ़ शूद्रों को पढ़ाई और उनके दिलो दिमाग में अंग्रेजों के प्रति नफरत की घृणा की भावना पैदा की। इन ब्राह्मण पंडितों ने उन अनपढ़ शूद्रों को मंदिरों के माध्यम से यही पढ़ाया कि बलि के माता अनुयायियों की छाया में भी खड़े नहीं रहना चाहिए। उनका इस तरह का नफरत भरा उपदेश क्या सचमुच वे अकारण था? नहीं, बिल्कुल अकारण नहीं था, बल्कि उन ब्राह्मणों ने समय का पूरा लाभ उठाकर उसी ग्रंथ के की बेतुकी बातें पढ़ाकर सभी अनपढ़ शूद्रों के मन में अंग्रेजी राज के प्रति नफरत की भावना के बीज बो दिए। इस तरह उन्होंने इस देश में बड़ी बड़ी धींगा मस्ती को पैदा किया है या नहीं? ढूंढीराव। हाँ तात, आपका कहना सही है, क्योंकि आज तक जितनी भी धींगा मस्ती हुई है उनमें भीतर से कहो या बाहर से ब्राह्मण पंडित पुरोहित वर्ग के लोग अगुवाई नहीं कर रहे थे।
ऐसा हो ही नहीं सकता। इस द्रोह का पूरा नेतृत्व वे ही लोग कर रहे थे। देखिए उमा जी रामोशी की धींगा मस्ती में काले पानी की सजा भोगने वाले धुंडो पंत नाम के एक ब्राह्मण व्यक्ति का नाम आता है। उसी प्रकार कल परसों के चपाती संग्राम में परदेशी ब्राह्मण पांडे कोकन का नाना पेशवे तात्या टोपे आदि कई देशस्थ ब्राह्मणों के ही नाम मिलते हैं। ज्योतिराव लेकिन उसी समय शूद्र संस्थानिक शिंदे होलकर आदि लोग नाना फडणवीस से कुछ हद तक सेवक की हैसियत से संबंधित थे। उन्होंने उस धींगा मस्ती करने वाले की कुछ भी परवाह नहीं की और उस मुसीबत से हमारी अंग्रेज सरकार को कितनी सहायता की, इस बात को भी देखिए। लेकिन अब इसे छोड़ दीजिए। इन बातों से हमारी सरकार को ब्राह्मणों की उस धींगा मस्ती को तहस नहस करने के लिए बड़े भारी कर्ज का बोझ भी उठाना पड़ा होगा और उस कर्ज के बोझ को चुकाने के लिए पर्वती जैसे फिजूल संस्थान की आय को हाथ लगाने की बजाय हमारी सरकार ने नए करों का बोझ किस पर डाल दिया। अपराधी कौन है और अपराध न करने वाले लोग कौन है, इसकी पहचान किए बगैर ही सरकार ने सारी जनता पर लगान लगा दिया। किंतु यह इन बेचारे अनपढ़ शूद्रों से वसूल करने का काम हमारी इस मूर्ख सरकार ने किसके हाथों में सौंप दिया, इस बात पर भी हमको सोचना चाहिए। ब्राह्मण लोग अंदर ही अंदर शूद्र संस्थानिकों से जी जान से इसलिए गाली गलौज कर रहे थे क्योंकि उन्होंने इनकी जाति के नाना फडणीस को उचित समय पर मदद नहीं की, जिसकी वजह से उसकी अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए पराजय हुई। अंग्रेज सरकार ने उन लोगों के हाथ के कर वसूली का काम सौंप दिया जो शूद्र संस्थानिकों से जी भर कर गाली गलौज करने वाले थे। दिन में 3 बार स्नान करके मांगल्यता का ढिंडोरा पीटने वाले थे। धन लोलुप और ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण कुलकर्णी थे। अरे इन काम चोरों ग्राम राक्षसों का ब्राह्मण कर्मचारी इन मूल ब्रह्म राक्षसों को जिस दिन से सरकारी काम की जिम्मेदारी दे दी गई उस दिन से उन्होंने शूद्रों की कोई परवाह नहीं की। किसी समय मुस्लिम राजाओं ने गांव के सभी पशुओं पक्षियों की गर्दनों को छुरी से काटकर उनको हलाल करने का हुक्म अपनी जाति के मौलानाओं को सौंप दिया था, लेकिन उनकी तुलना में देखा जाए तो स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि ब्राह्मण पंडितों ने अपने कलम की नोक पर शूद्रों की गर्दनें छाटने में उस मौलानाओं को भी काफी पीछे धकेल दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए तमाम लोगों ने सरकार की बिना परवाह किए इन ग्राम राक्षसों को ब्राह्मणों को कलम कसाई की जो उपाधि दी है वह आज भी प्रचलित है और अपनी मूर्ख सरकार उनका अन्य सभी कामगारों की तरह तबादला करने की बजाय उनकी राय लेकर अज्ञानी लोगों पर लगान कर मुकर्रर करने की कारण नोटिस तैयार करती है। बाद में उसी कुलकर्णी को सभी शूद्र किसानों के घर घर पहुंचाने के बाद उसने उनसे मिलने वाले कुलकर्णियों की सिर्फ स्वीकृति लेकर सरकार उनमें से कई नोटिसों को खारिज कर देती और अनपढ़ लोगों पर लगान बहाल कर देती है। अब इसको कहे भी क्या, ढूंढीराव क्या ऐसा करने से कुलकर्णियों को कुछ लाभ भी होता होगा? ज्योतिराव इससे उन कुलकर्णियों को कुछ फायदा होता होगा या नहीं यह वे जानते हैं, लेकिन उनको यदि किसी वाहिया फतूरिया से कुछ लाभ न भी होता हो फिर भी वे उन पर इस तरह की नोटिस भिजवाकर कम से कम 4-8 दिन की रुकावट निश्चित रूप से पैदा करते होंगे और आने जाने में सारी शक्ति खर्च करवाते होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। वे इन पर अपना रुतबा जमा करके कामों की अपेक्षा करते होंगे। बाद में उन्होंने से सभी काम
बगुला भगत की तरह पूरी आत्मीयता से किया होगा। इसलिए सभी अनपढ़ छोटे बड़े लोगों को शंकराचार्य जैसे लोगों ने लक्ष्मी की स्तुति की कि हे हमारी सरकारी सरस्वती मैया, तो अपने कानून से रोकती है और लाच खाने वालों को और उसी तरह लाचार होकर लाच देने वालों को दंड देती है, इसलिए तू धन्य है। इसलिए कई लोग प्रसन्न हुए और उन्होंने कुछ कुलकर्णियों के घरों पर कई दिनों तक लगातार पैसों की बारिश करवाई। कुछ लोगों ने इसके खिलाफ शोर मचाया। यदि यह बात सच है तब उसकी पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए और ऐसे हरामखोर कुलकर्णियों को किसी गधे पर बैठाकर उनको गांव के तमाम रास्तों में घुमाने का काम अपनी सरकार का है। ढूंढी राव बात सुनिए, ब्राह्मणों ने जो टेढ़ी मेढ़ी हलचल शुरू की थी उसको कुछ बुद्धिमान गृहस्थों ने अब अच्छी तरह पहचान लिया है और उस बली राजा अंग्रेज सरकार को, अधिकारियों को, मुखिया को इस चालबाजी से अवगत कराया गया। फिर भी सरकार उन पहरेदारों की आंखों में धूल झोंक कर ऐसे कलम कसाईयों को प्रसन्न करने में लगी हुई है। आज के ब्राह्मणों में कई लोग ऐसे हैं जो शूद्रों के श्रम रूप लगान की वजह से बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, लेकिन वे इस उपकार के लिए शूद्रों के प्रति किसी भी प्रकार की कृतज्ञता प्रदर्शित नहीं करते, बल्कि उन्होंने कुछ दिनों तक मन चाहे मौज मस्ती की है और अंत में अपनी मांगल्यता का दिखावा करके यह भी सिद्ध करने की कोशिश की है कि उनकी वेद मंत्रादि जादू विद्या सही है। इस तरह की झूठी बातों से उन्होंने शूद्रों के दिलो दिमाग पर प्रभाव कायम किया। शूद्रों को उनका पिछलग्गू बनना चाहिए। इसके लिए न जाने किस किस तरह के पासे फेंके होंगे। उन्होंने शूद्रों को अपने पिछलग्गू बनाने की इच्छा से उन्हीं के मुंह से यह कहलवाया कि शादावल के लिंग पिंड के आगे की या पीछे बैठकर किराए पर बुलाए गए ब्राह्मण पुरोहितों के द्वारा जब अनुष्ठान करवाने की वजह से इस साल बहुत बारिश हुई और महामारी का उपद्रव भी बहुत कम हुआ। इस जब अनुष्ठान के लिए आपस में रुपया पैसा भी इकट्ठा किया था। इस तरह उन्होंने जब अनुष्ठान के आखिरी दिन बैल बंडी पर भात का बलि राजा बनवाकर सभी प्रकार के अज्ञानी लोगों को बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी झूठी खबरें दिलवाकर बड़ी यात्राओं का आयोजन करवाया। फिर उन्होंने सबसे पहले अपनी जाति के इल्लतखोर ब्राह्मण पुरोहितों को बेहिसाब भोजन खिलाया और बाद में जो भोजन शेष बचा उसको सभी प्रकार के अज्ञानी शूद्रों को पंक्तियां बिठाकर किसी को केवल मुट्ठी भर भात, किसी को केवल दाल का पानी और कईयों को केवल फाल्गुन की रोटियां ही परोसी गई। ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त कराने के बाद इनमें से कई ब्राह्मण पुरोहितों ने उनके अज्ञानी शूद्रों के दिलो दिमाग पर अपने वेद मंत्र जादू का प्रभाव कायम रखने के लिए उपदेश देना शुरू किया हो तो इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन वे लोग इसे ऐसे मौके पर अंग्रेज लोगों को प्रसाद देने के लिए आमंत्रित क्यों नहीं करते। ज्योतिराव, अरे ऐसे पाखंडी लोगों ने इस तरह चावल के चार दाने फेंक दिए और थू थू करके इकट्ठे किए हुए ब्राह्मण पुरोहितों ने यदि हर तरह का रुद्र नृत्य करके भो भो किया तब उन्हें अपने अंग्रेज बहादुरों को प्रसाद देने की हिम्मत होगी। धुनीराव तात, बस रहने दीजिए, इससे ज्यादा और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। एक कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, उसी तरह इस बात को भी समझ लीजिए। ज्योतिराव, ठीक है, समझ अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना, लेकिन आजकल के पढ़े लिखे ब्राह्मण अपनी जादू मंत्र विद्या और उससे संबंधित जप अनुष्ठान का कितना भी प्रचार क्यों न करे, उस मटमैले को कलई चढ़ाने का कितना भी प्रयास क्यों न करे और तमाम गली कुचों में से भोंकते हुए क्यों न फिरते रहे, लेकिन अब इनसे किसी का कुछ भी कम ज्यादा होने वाला नहीं है।
लेकिन अपने मालिक के खानदान को सातारा के किले में कैद करके रखने वाले नमक हराम बाजीराव पेशवे जैसे हिजड़े ब्राह्मणों ने रात और दिन खेती में काम करने वाले क्षुद्रों की मेहनत का पैसा लेकर मुंह देखी पहले दर्जे के जवामर्द ब्राह्मण सरदारों को सरंजाम बनाया। उन जैसे लोगों को दिए हुए अधिकार पत्र सनद के कारणों को देखकर फर्स्ट स्टार्ट टर्सकांड साहब जैसे पवित्र ने कमिश्नर को भी खुशी होगी। फिर वहां दूसरे लोगों के बारे में कहना ही क्या, उन्होंने पार्वती जैसी कई संस्थानों का निर्माण करके उन संस्थानों में अन्य सभी जातियां के अंधे दुर्बल लोगों तथा उनके बाल बच्चों की बिना परवाह के उन्होंने ब्राह्मणों अपनी जाति के मोटे ताजे आलसी ब्राह्मणों को हर दिन का मीठा अच्छा भोजन खिलाने की परंपरा शुरू की। उसी प्रकार ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों के स्वार्थी नकली ग्रंथों का अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों को हर साल यथा योग्य दक्षिणा देने की भी परंपरा शुरू कर दी। लेकिन खेद इस बात का है कि ब्राह्मणों ने जो परंपराएं शुरू की है केवल अपनी जाति के स्वार्थ के लिए। उन सभी परंपराओं को अपनी अंग्रेज सरकार ने जस के तस अभी तक कायम रखा है। इसमें हमको यह कहने में क्या कोई आपत्ति हो सकती है कि उसने अपने प्रौढ़ता और राजनीति को बड़ा धब्बा लगा दिया है। उक्त प्रकार के फिजूल खर्च से ब्राह्मणों के अलावा अन्य किसी भी जाति को कुछ भी फायदा नहीं है, बल्कि उनके बारे में यह कहा जा सकता है कि वे हराम का खाकर मस्ताए हुए कृतघ्न सांड है। और ये लोग हमारे अनपढ़ शूद्र दाताओं को अपने चुड़ैल धर्म के गंदे पानी से अपने पाव धोकर वह वही पानी पिलाते हैं। अरे कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों के पूर्वजों ने अपने ही धर्मशास्त्र और मनुस्मृति के कई वाक्यों को काजल पोत कर ऐसी बुरे कर्म कैसे किए, लेकिन अब तो उन्हें होश में आना चाहिए और इस काम के लिए अपनी भोली भाली सरकार कुछ न सुनते हुए पार्वती जैसे संस्थानों में इन स्वार्थी ब्राह्मणों में से किसी को भी शूद्रों के पसीने से पलने वाली रोटियां नहीं खानी चाहिए। इसके लिए एक जबरदस्त सार्वजनिक ब्राह्मण सभा की स्थापना करके उनकी सहायता से इस पर नियंत्रण रखना चाहिए, जिससे उनके ग्रंथों का कुछ न कुछ दबाव पूर्व पुनर्विवाहित तो उत्तेजक मंडली पर पड़ेगा। यही हमारी भावना थी, किंतु उन्होंने इस तरह की बड़े बड़े उपनामों की सभाएं स्थापित करके उनके माध्यम से अपनी आंखों का मोतीबिंद ठीक करना तो छोड़ दिया और अज्ञानी लोगों को सरकार की आंखों के दोष दिखाने की कोशिश में लगे रहे। यह हुई न बात कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसको अब क्या कह सकते हैं। अब हमारे अज्ञानी सभी शूद्रों की उस बलि राजा के साथ गहरी दोस्ती होनी चाहिए, इसका प्रयास करना चाहिए और इस बलि राजा के सहारे से ही उनकी गुलामी की जंजीरें टूटनी चाहिए। ब्राह्मणों की गुलामी से शूद्रों को मुक्ति करने के लिए अमरीकी स्कॉच और अंग्रेज भाइयों के साथ जो दोस्ती होने जा रही है उसमें उन्हें कुछ दखलंदाजी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब उनकी दौड़ धूप बहुत हो गई है, अब हम उनकी गुलामी का निषेध करते हैं। परिच्छेद 12। इनामदार ब्राह्मण कुलकर्णी, यूरोपियन लोगों ने उपनिवेशियों की आवश्यकता, शिक्षा विभाग के मुंह पर काला धब्बा, यूरेशियन कर्मचारियों का दिमाग कुंठाग्रस्त क्यों होता है आदि के संबंध में हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।